एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और आज मेरे साथ है एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक की दुनिया में जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा नाम बनाया है, डीजे शेज़वुड। सो शेज़वुड, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल इज फाइन, जस्ट एट होम एंजॉयिंग दिस क्वारंटाइन पीरियड। या कंसीडरिंग द करंट सर्कमस्टेंसेस, हाउ इज योर हेल्थ एंड हाउ हैव यू बीन फर्स्टली? See, all is good. The God is kind. We are producing music from our home only. I have a very small studio at my home. So, creating music from here only. Right. So, you know, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से है आप, शुरुआत कैसे की और फिलहाल, you know, music की दुनिया में और क्या चल रहा है? See, मैं हरिद्वार से हूँ. मेरा पहला एल्बम एक भक्ति का एल्बम था जिसका नाम था शिव आराधना. Back in 1993, it was being sang by Hariharan ji, Anuradha Podwal ji, Suresh Wadekar ji, and produced by Gulshan Kumar T-Series. And then मैंने करीबन 100 albums bhajans के किए, mythological albums बोल सकते हैं आप. और फिर मेरा एक गाना आया जिसने जिसको बहुत पसंद किया गया, पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर हुआ, मेरे पिया गए रंगून. उस गाने के बाद मेरा ये रिमिक्स वाला सफर शुरू हुआ जिसमें ये बॉम्बे शहर आजसू का शहर है, मैं काकुर राम मुझे बुढ़ा मिल गया, समथिंग समथिंग, वे में जेड़े पासे, तूने ओ रंगीले, मोर देन हंड्रेड एल्बम्स, एंड जिसमें मेरी कोलैबोरेशंस बबू मान साहब, दलेर मेहंदी साहब, मिका, जसबीर जस्सी, ऑल मेस्ट्रोज एक्चुअली आई हैव बीन कोलैबोरेटेड. और अभी मेरा एक नया गाना बड़ा पॉपुलर है, बहुत ट्रेंड्स में है, जिसका नाम है मैं शराबी. तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ, मैं शराबी शराबी. सो दैट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड अराउंड 220 मिलियन मार्क. वाओ, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक्स अ लॉट. सो इट्स अ रीसेंट हिट आई कैन से. तो क्या बात है, दिस इज अमेजिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपके बारे में ये सब जानकर. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा. तो दीजिए, आगे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपका जो अपकमिंग ट्रैक है अमृत कुंभ हरिद्वार, इसके बारे में कुछ बताइए. क्या ये आपकी जो जन्मभूमि है उससे जुड़ा हुआ है ये गाना और किस तरह का है? सी, कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये था कि जो कुंभ है वो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये 12 वर्ष में हर शहर में एक बार जाता है, हर 3 वर्ष में एक बार आता है. तो कॉन्सेप्ट ये था कि इस बार बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वहां पर लोग नहीं पहुंच पाएंगे और सबसे बड़ा फीस्ट है जिसमें कि करोड़ एंड करोड़ पीपल ऑलवेज रीचेस, बट दिस टाइम ये पॉसिबल नहीं था. तो हमने क्या कॉन्सेप्ट किया था कि एक ऐसा सॉन्ग बनाया जाए जो सॉन्ग पहले तो कुंभ के बारे में बहुत इजीली सब बताए कि व्हाट इज कुंभ एंड हरिद्वार में हो रहा है तो क्या हो रहा है. जैसे हमने उसमें एक लाइन यूज की थी, सावधानी का रखें ध्यान फिर गंगा में करें स्नान. सावधानी मींस कोरोना से बच के, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल. और जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए उनके लिए हमने इसको शूट किया है रियल टाइम लोकेशन पे जाके. तो हमने वहां जो सेंट्स आए हुए हैं, प्रोसेशंस निकल रही हैं, उन सबको शूट किया और प्रॉपर जो कुंभ में होता है वो सब हमने इस गाने में दिखाया. तो आपकी क्या कोई कुंभ से जुड़ी ऐसी यादें हैं जो आपने इस गाने में यू नो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की हो? जी, जब हम लोग बहुत छोटे थे और ये जो पेशवाई बोलते हैं प्रोसेशंस जो होती हैं वहां पे, जो कि सेंट्स शंकराचार्यस इनकी प्रोसेशंस निकलती हैं, उनको पेशवाई बोलते हैं. तो वो बहुत बड़ी और बड़ी ग्रैंड होती है, तो उसको देखने का एक बड़ा ही अलग अनुभव है. मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो आप मेस्मराइज हो जाएंगे, ऐसा अनुभव होता है. तो व्हेन वी वर किड वी यूज्ड टू सी ऑल दीज बड़ी बड़ी पेशवाई. हम लोग अपने जो हमारे घरों के जो रोशनदान होते थे उनमें खड़े होके ये पेशवाई देखते थे निकलते हुए, तो वो अनुभव ही अलग है. तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस विद एवरी वन. एंड जो लोगों ने भी कुंभ मिस किया, मतलब जो लोग जाते हैं, क्योंकि आई एम श्योर जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, वो कुंभ जाती ही है, कुंभ का पार्ट बनना चाहती है. तो हमने उनको दिमाग में रख के और अपने उन एक्सपीरियंसेस को इनमें शूट किया है.
एक सवाल, क्योंकि आपका ये जो गाना है वो इट लीड्स टू, मैं कहूंगी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ द मीडियम्स, तो मैं कहूंगी कि क्या म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के बीच का एक इंटर रिलेशन अगर कोई है, और अगर है तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही डिवाइन रिलेशन है. जब आप म्यूजिक करते हैं तो बहुत शिद्दत से करते हैं, आप अपना बेस्ट उस टाइम दे रहे होते हैं, और जब आप शिद्दत से कोई भी काम करते हैं तो आपका कनेक्ट उस सुपर पावर से बनता है. तो जब इस कनेक्ट के दौरान ही आपकी कोई अच्छी कंपोजिशन बनती है. जब आप बहुत, आप कहते हैं ना, आपको एक कंपोजिशन करनी है, आप उस कंपोजिशन पे बहुत काम कर रहे हैं कई दिनों के काम करते हुए, देन सडनली आपको रियलाइज होता है कि आपको कंपोजिशन मिल गई. तो वो स्पिरिचुअलिटी यही है, आप स्पिरिचुअली अपने काम को कर रहे हैं. और जब आप ईश्वर को भी उतनी शिद्दत से याद करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपके अराउंड कोई एक ऐसी पावर है जो आपको एनर्जी दे रही है, जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है. तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट टू कनेक्ट टू द गॉड, इधर वी आर योर म्यूजिक और एनी ऑफ द फॉर्म जो भी आपके पास है. कई लोग ध्यान से कनेक्ट हो जाते हैं, कई लोग वर्कआउट करते हुए कनेक्ट हो, तो इट्स ऑल अबाउट दैट. जी, इनफैक्ट कहते भी हैं कि कुछ लोगों के लिए म्यूजिक इज लाइक मेडिटेशन आल्सो, राइट? जो लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं, आप देखेंगे ये हीलिंग भी है, म्यूजिक एक हीलर भी है. आपका मूड अगर कुछ थोड़ा सैड है तो आप म्यूजिक लगा लेते हैं तो आपका मूड स्विंग हो जाता है. आप ऐसा फील, आप लोनली फील कर रहे हैं तो कुछ आप ऐसे गाने बजाते हैं कि आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं. तो ऑफ कोर्स म्यूजिक एक ऐसा माध्यम तो है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं. जी बिल्कुल. और अब अगर बात करें इस गाने में जिन्होंने आपका बखूबी साथ दिया, कविता पौडवाल जी की, तो उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए. सी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा जो डेब्यू हुआ था वो अनुराधा पौडवाल जी के साथ हुआ था. मेरा पहला एल्बम 1993 में अनुराधा जी ने गाया था. तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं कविता में और अनुराधा जी में, बहुत सारी चीजें हैं. टोनल क्वालिटी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा दीदी का है, और वही हिलेरियस है. कविता बहुत हिलेरियस है, दीदी भी बहुत हिलेरियस है. आप उनके साथ रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई सीरियस चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कब आपको जोक क्रैक कर देंगी आपको पता नहीं लगेगा. वो ही कविता के साथ भी है. सो उसके साथ रिकॉर्डिंग करना इट्स ऑलवेज लाइक अ फन, एंड दे आर फैमिली एज वेल, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद कविता और अनुराधा जी. जी, और अनुराधा जी ने क्या ये गाना सुना, या जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब ये गाना बन रहा था, तो उस समय क्या उनकी तरफ से कोई स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन या ऐसे कुछ हुआ, कंसिडरिंग आपका और उनका जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इट वॉज वेरी लॉन्ग? See, मैंने गाना दीदी को भेजा जब मैंने गाने का स्क्रैच बनाया, और अभी लास्ट ईयर अनुराधा जी ने और हमने रघुपति राघव राजा राम का एक बड़ा फ्यूजन बनाया था जो बहुत पॉपुलर भी हुआ था. तो मैंने दीदी को भेजा और उनके सजेशंस मांगे, और मैंने उनसे कहा दीदी आप कब गाएंगी इसको, तो बोली यार एक काम करते हैं इस बार इसको कविता से आप गवाओ, क्योंकि एक तो कुंभ बिल्कुल पास आ गया था, टाइम कम था, और दीदी वॉज बिजी इन हर स्टफ. तो दीदी बोली कि आप कविता से गाओ. उनके इनपुट्स ये थे कि आशीष भैया इसको आप जितना सिंपल रखेंगे, मतलब इसमें आप बहुत क्लासिकल मत होना, बहुत कलाकारी मत करना, इसको पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट बनाना, सो दैट इसको बहुत जनरल पब्लिक से कनेक्ट मिले. और उनकी बात वो सही थी, हमने इसको कल रिलीज किया और आज इट्स टचिंग अराउंड 130 लाख पीपल ऑलरेडी हैव सीन इट. तो वो जो कनेक्टिविटी उन्होंने बोली थी कि इसको आप सिंपल रखेंगे तो ज्यादा कनेक्ट होगा, बिल्कुल वो युवा लोग कुंभ देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर कुंभ दिखता है, कुंभ की एक एक रिचुअल्स दिखती हैं जो हमने स्पेशली कवर की हैं. और जब आप गाना सुनते हैं तो आपको कुंभ के बारे में बहुत कुछ बड़ी आसानी से पता लग जाता है. तो मुझे ये एक बात बताइए कि ये एक सवाल मैं हर सिंगर से या कंपोजर से मैं पूछती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम योर म्यूजिक, ये जो एक रीमेक्स का जो ये हम चलन देख रहे हैं ना पिछले कुछ सालों से, इस बारे में हम क्या सोचते हैं कि क्या रीमेक्स सबसे पहले तो ए ओरिजिनल म्यूजिक को जस्टिफाई कर पाते हैं, या फिर बी वो जो एक कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिनल म्यूजिक की जो है ना वो छाप दिल में बस जाती है,
जब किसी अच्छे गाने का रीमेक इतना अच्छा नहीं बन पाता तो जो ओरिजिनल का जो मजा है ना, हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो उसका भी मजा चला जाता है, तो आपका रीमेक्स को लेकर क्या टेक है? सी, मेरा एक कॉल है इस बारे में, बिकॉज मैंने रिमिक्सेस हिंदुस्तान का, वी आर वन ऑफ द पीपल हु स्टार्टेड डूइंग इट. मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे पिया के रंगून हादसा, ऑल दैट स्टफ. मेरा, मैं रिमिक्स उस रिमिक्स से कनेक्ट होता हूँ जिसमें आपकी क्रिएटिविटी होती है, ज्यादा चैलेंजिंग भी है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जो ओरिजिनल मेलेडी होती है वो लोगों के दिमाग में बसी हुई होती है, उसके जो काउंटर पीसेज होते हैं, उसका जो म्यूजिक होता है, वो लोगों के दिमाग में घर किए हुए होता है. तो आपको जब आप उसके कंपोजिशन के साथ अपने मेलेडी पीसेस उसके अंदर डालते हैं तो बहुत एकदम शॉकिंग भी हो सकता है, और अगर बहुत अच्छा बनता है तो एप्रिसिएशन भी मिलता है. तो मेरा कॉल इसमें यह है कि एक बड़ा चैलेंजिंग है. मैं बहुत नाइतफाकी रखता हूँ उन कंपोजर से या उन लोगों से जो रिमिक्स में खाली उनका रिदम चेंज करके या बीपीएम शिफ्ट करके उसको रिमिक्स का नाम दे देते हैं. मेरा कॉल ये रहता है कि रिमिक्स शुड बी, अगर आपने किसी का कंपोजिशन लिफ्ट किया है, दैट्स व्हाई इट्स रिमिक्स, आप उसको दोबारा से मिक्स कर रहे हैं तो आप उसमें टोटल म्यूजिक ही ऐसा डालिए कि जो बड़ा ओरिजिनल हो, जो आपका हो. केवल आप रिमिक्स इसलिए लेते हैं कि जो ओरिजिनल ट्यून होती है वो बड़ी पॉपुलर होती है, तो आपके लिए प्रमोशन का टूल इजी हो जाता है. कोई भी गाना आप मुकाबला रिमिक्स कर रहे हैं तो, बट ऑब्वियस उसका अपना फैन बेस है, उस गाने का सुनने वाला लिसनर है, तो जब आप रिमिक्स करते हैं तो उसको लोग वैसे ही सुनते हैं. बट यहाँ चैलेंजिंग ये हो जाता है कि खाली आपने उसका बीट चेंज कर दिया, अगर वो बेसिक ओरिजिनल बीट ऑर्थोडॉक्सिशन है तो आपने हिप हॉप कर दिया, इतना कर देने भर से वो रिमिक्स नहीं होता. इट शुड बी अ प्रॉपर रिमिक्स. अभी जो आजकल ट्रेंड्स में है, आई एम सॉरी, लेकिन वो ऐसे ही हो रहा है कि पीपल जस्ट चेंज द बीट्स. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, आपके पास टाइम कम है, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या बहुत प्रेशर होता है प्रोड्यूसर्स का, भाई जल्दी करके दो, हमारा गाना शूट पे जा रहा है, तो वहां आप जस्टिफाई नहीं कर पाते. एज अ म्यूजिशियन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको रिमिक्स, मैंने लास्ट रिमिक्स किया था पर्दे में रहने दो, दैट वॉज इन 2018 मिस पूजा के साथ. आप उस रिमिक्स को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने केवल पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, केवल उतना पार्ट यूज किया था. एंड व्हाइट कलर तेरा मून लाइट सा, तुझमें मेरी जान बसी, उसने तेरा हाय हीरे वरगा, दीवाने बन गए सभी, समझ इशारा, इन बर्दों बर्दों में रहने दो, रहने दो, पर्दे में रहने दो. तो आप अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके पीसेस, उसकी ओरिजिनल मेलेडी, केवल हुक लाइन को क्रिएट करें तो शायद ज्यादा बेटर. बहुत चैलेंजिंग है लेकिन ना, तो बहुत यू नो अच्छा लगा ये जानकर कि यू आल्सो बिलीव कि अगर रीमेक्स बनते हैं तो इस तरह से बने कि ओरिजिनल गाने की जो एक मिठास है वो भी ना जाए और एक नया ट्रू सेंस में एक यू नो नयापन मिले. That's true. तो आगे यू नो बिफोर हम आपसे अलविदा ले, मैं चाहूंगी कि आपका आपके गाने के यू नो दो लाइनें अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुना दें तो. अमृत कुंड हरिद्वार जी, जय जयकार, जय जयकार, अमृत कुंभ की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, अमृत कुंभ की जय जयकार. थैंक यू सो मच. और ये गाना ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है जैसे हमने देखा, आपने भी हमें बताया, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आई एम श्योर कि यू नो जिस तरह की फील ये गाना देता है, कहते हैं ना कि एक सोलफुल रूहानियत जो ये गाना देता है. कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको एक्चुअली यू कैन कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा था. सो दिस सॉन्ग रियली गिव्स यू दैट वाइब. So congratulations on that and thank you so much for joining with Film Window. Thanks a lot and aapke listeners ke liye, aap log sab safe rahe, koshish kare jab tak ye corona hai tab tak jitna aap apne aap ko safe rakh paye country ko safe rakh paye. Thank you so much and all the best. Thanks. For your future. Thanks, bye bye. Bye bye, take care. Bye-bye. You too.